निकली तुम्हारी चीख। अब समझ में आया तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन? तू तो यहाँ इस घर में सबके बीच में सुरक्षित है, लेकिन मैं वहां अकेली थी, नितांत अकेली। जब सबके सामने बीच सड़क में सरेआम मेरे मुंह में काली पोती गई थी, ये हुई ना बात, ये मिला जैसे को तैसा। अब आएगा मजा। चाची जी, चाची जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है? मैं तो मैच के स्कोर चेक कर रही थी। वो देखो, हमने आगे बढ़ के छक्का मारा है। मजा आ गया। इंडिया 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 इंडिया। परागी, तुम्हें हर चीज में छलांग मार के आगे आने की बुरी बीमारी है क्या? नहीं, मतलब अभी मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू नहीं हुई और तुम घूंघट हटा के यूं सामने खड़ी होगी? पिछली रस्मों की तरह ये रस्म भी अकेले करने का इरादा है क्या? नहीं, मतलब कहो तो हम सब चले जाए। सॉरी बुआजी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं बहन जी, बलाए तो ले ली हमने, अभी तो घूंघट तो उठा सकते हो अब। बिटिया रानी, आप यहाँ आके बैठो। सुषमा जी, आपकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, आपकी बहू तो A1 है। हाँ, दिखने में तो सुंदर है ही, और पढ़ाई में तो अव्वल नंबर है। बड़ी भाग्यशाली है आप। जीजी, समझ में नहीं आ रहा है गांव की औरतों ने बलाइयां क्यों नहीं ली। इनको तो मैंने अलग से कालिक पोतने के पैसे दिए थे और पैसे वापस भी नहीं किए। समझ में नहीं आया, एन मौके पे इन औरतों ने परागी के चेहरे पे काली क्यों नहीं पोती? अरे आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या आप लोग कुछ बिना खाए पिए जा रही? कम से कम हमारे घर का पानी तो पीजिए। अरे ना बिटिया, आप लोग तो हमेशा से हमारे मोहल्ले की हर नई बहू की भलाइयां लेकर अपनी दुआएं उन्हें देते हैं। न जाने कितनी बहुओं की जिंदगी सवारी है आपने। हमारे लिए तो आप माता रानी की दूध जैसी हैं। अच्छा, हमने भेंट के तौर पर आपके लिए साड़ियाँ मंगाई, रसम के बाद जरूर लेकर जाइएगा याद से, और मेरी झोली में ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाइएगा। अरे देखो बहनों, कितनी संस्कारी बिटिया है। फिर तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी वजह से परेशानी क्यों है? आंटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब का बताएं बिटिया, भलाई के नाम पर तेरे मुंह पे काली पोतना चाहते हैं तेरे ससुराल वाले, इसीलिए तो इतने पैसे दिए हमको। आप सब तो मेरी माँ जैसी हैं, आपसे क्या छुपा। दरअसल मेरी शादी में मेरी बड़ी मम्मी ने सुषमा माँ के मुंह पर कालिक पोत दी थी, बस उसका बदला मुझसे लिया जा रहा है। पर मैंने भी ठान लिया, मैं अपने बड़ी मम्मी की गलती की सजा भुगतूंगी। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं अपना ये घर नहीं छोड़ूंगी और अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। शाबाश बिटिया। बेटा, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों को ना हम कभी कालिक पोतेंगे और ना ही उनका अपमान करेंगे। उसके बदले में आशीर्वाद देके तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना बेबी, ये कालिक वाला आइडिया बिल्कुल बेकार है, वर्क नहीं करेगा। हाँ ठीक है जीजी, नहीं चला ये आइडिया, पर क्या आपके पास कोई बेटर आइडिया है तो बताइए ना।
जिससे हम परागी से बदला ले सके। बेटर से भी बेटर। सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि मेरी बड़ी मम्मी ने जो माँ के साथ किया वैसा मेरे साथ तो क्या, कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे कैसे पता चला, इस बात की टेंशन मत लीजिए। और इस बात की टेंशन भी मत लीजिए कि मैं ये जाकर संजय को, माँ और पापा को बोलूंगी तो मुझसे गुस्सा होने के बावजूद वो मेरा साथ देंगे। और मैं ऐसा कर सकती हूँ लेकिन करूंगी नहीं। हमारे घर में खड़ी होके हमें धमका रही हो? आपको अपना मानती हूँ इसलिए धमकी नहीं दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। और ये भी बता रही हूँ कि मैं अपने प्यार के लिए चुप रहूंगी, लेकिन अगर खतरे का साया भी किसी की वजह से मेरे प्यार पर पड़ा तो उस खतरे से लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। आज भले ही मेरा मुंह काला हो जाए तब भी मुझसे ज्यादा दर्द माँ को होगा। आप लोग अपने स्वार्थ और अपने बदले के लिए माँ को इतना बड़ा दर्द देने का सोच भी कैसे सकते हैं? इसका जवाब मुझे नहीं अपने दिल को दे दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, एंट्री कार्ड भी आ गया, मेरा क्यों नहीं आया अब तक? अभी जी, ये कोरियर आया है। ये तो परागी के लिए कोरियर है, यूपीएससी का लेटर लग रहा है, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जी, ये परागी के लिए इंपॉर्टेंट है पर हमारे लिए नहीं। तो बताइए क्या करना है अब इसका? ये लेटर तुम तक नहीं पहुंचने देंगे परागी, क्योंकि हर वो रास्ता जो तुम्हें हमारे संजू से आगे लेकर जाएगा उस रास्ते में रोड़े अटकाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम हमारे संजू से आगे निकलो किसी भी कीमत पर। मेरे नाम का कुरियर यूपीएससी वाले पेपर्स ही है, थैंक गॉड। पर ये खोला किसने? इसके अंदर के पेपर्स कहाँ हैं? मेरे पे दीदी सुनिए ना, ये मेरे नाम का एक कुरियर था, इसके अंदर पेपर्स थे, वो कहाँ है और ये खोला किसने? आपने खोला है? नहीं नहीं, मैंने नहीं खोला, पता नहीं मुझे कुछ। आपने नहीं खोला तो फिर किसने खोला? दादा बाबा सुनिए ना, ये मेरे यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले थे, ये लेकिन खोला हुआ रखा है, आपने खोला है, इसके पेपर्स कहाँ हैं? नहीं मैंने तो नहीं खोला, पर एक रद्दी वाला आया था, उसको मैंने पेपर और कुछ फालतू कागज भेजे, ऐसा तो नहीं कि उन पेपरों में। रद्दी वाला? सारी रद्दी के ढेर में से अपना पेपर कैसे ढूंढूंगी? अरे अरे मैडम, मेरे पेपर्स, मेरे पीएससी के पेपर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आग को बुझाओ कोई। क्या करें मैडम, रुकिए आप, चल जाओगे, आग जल गई है, हटिए पीछे हटिए। मेरे सपनों को मैं ऐसे ऐसे जाने नहीं दे सकती, कोई कोई मेरे सपनों को बचाओ।
मैं एक झटके में सब कुछ खराब नहीं होने दूंगी। बहुत मेहनत से पहुंची हूं मैं यहां पे। मेरे पेपर्स, मेरे क्या हुआ पराग? मेरे इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स यही कही है। पर आगे भी ना भाई नेटवर्क हो गई है, टाइम पे गायब हो जाती है, फोन भी नहीं उठा रही है। इसे वक्त पे कोई कैसे लेट हो सकता है? इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। शादी के बाद की सारी रस्में मैंने खुद की, बस एक रस्म छोड़ के जिसमें पति पत्नी दूध की परात में हाथ डालकर अंगूठी ढूंढते हैं। और आज आज हम दोनों ने मिलकर आग में हाथ डालकर मेरा फ्यूचर ढूंढा है। तुमने मुझे सपना देखने का मौका दिया और आज ये सपना जल के राख हो जाता अगर तुम नहीं आते। तुम थे इसलिए मेरा सपना जलने से बच गया। तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे हमेशा खुशी हुई। जाओ अपना सपना पूरा करो। कांग्रेचुलेशंस। परागी के आईएएस बनने का सपना आप कभी पूरा नहीं होगा भाभी। मुझे पता है जो मैंने किया है वो आपकी नज़रों में गलत है। किसी के सपने को ऐसे नहीं जलाते, पर उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अब इसके लिए आपकी नाराज़गी ही क्यों ना सहनी पड़े। पर मैंने कब कहा कि तुमने जो किया वो गलत किया बेबी? तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। जो लोग खुद गलत होते हैं उनके साथ गलती होना चाहिए। मेरी सचू ने अपना सब कुछ भुलाकर उस लड़की से प्यार किया और उसने क्या किया? उसने मेरे संजू का सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि उसका सपना भी छीन लिया। रूमी, रूमी, सारे कैंडिडेट्स जा रहे हैं, इंटरव्यू हो गया, मैं लेट हो गई क्या? कम ऑन परागी, क्या है ये इतना टाइम? तू इंटरव्यू देने वाली कैंडिडेट है, कोई चीफ गेस्ट नहीं है कि सब तेरा वेट करेंगे। तुझे पता भी है यहाँ पे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है? क्या परागी को वीआईपी इनविटेशन? हाँ जी जी, मिनिस्टर साहब ने खुद कॉल किया था, कह रहे थे कि रिपब्लिक डे के दिन परागी का होना बहुत जरूरी है। उसने यूपीएससी टॉप किया है तो यंग जनरेशन की आइकन है। विनोद जी, इस बार परागी को बुलाया है? लेकिन हर साल रिपब्लिक डे की शान तो मेरा संजू होता है ना। अजीत जी, जिस दिन से इस लड़की से मिली हूं उस दिन से कह रही हूं ये लड़की आगे जाने वालों में से है। अभी तो यूपीएससी टॉप किया है और लीडर्स प्रोग्राम्स के लिए बुलाने लगे। बेबी, कल तक दूध वाले की बेटी थी, आज पूरे एमपी की शान हो गई है। क्या छलांग मारी है, हमारे सोशल स्टेटस की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। पता नहीं कब जाएगी इस घर से। मिनिस्टर साहब सबके सामने उसे यूथ आइकन बनाना चाहते हैं। भाई साहब,
मिनिस्टर को बोल के परागी को सास को टॉर्चर करने वाली बहू का अवार्ड दिलवाइए। आप कोई भी बहाना बनाइए और मिनिस्टर साहब को मना कर दीजिए। नहीं प्रमोद, मना नहीं कर सकते और ना ही कोई बहाना बना सकते हैं। अभी तक तो मिनिस्टर के स्टाफ ने परागी का नाम मीडिया में अनाउंस भी कर दिया होगा। मिनिस्टर साहब को बताया नहीं कि अभी परागी ने सिर्फ UPSC टॉप किया है, इंटरव्यू नहीं हुआ है उसका, जो आज है। और जरूरी नहीं कि इंटरव्यू भी क्लियर कर ले। सारे बड़े लोग होंगे वहां, एमएलए साहब भी होंगे। हर साल मेरा संजू हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आगे चलता था, लेकिन इस बार संजू नहीं जाएगा। वहां हर कोई परागी को शाबाशी देगा और मेरे बेटे से पूछेगा, घर का कोचिंग सेंटर होते भी तू फेल हो गया। मैं मेरे संजू को पूरे भोपाल शहर के सामने फेलियर का मेडल नहीं लेने दूंगी। सॉरी सुषमा जी, परागी ने भले ही स्कॉलरशिप लेकर UPSC क्लियर किया हो, लेकिन किया तो हमारे सेंटर से है, इसलिए हमें जाना ही होगा। अगर नहीं जाएंगे तो वो सोचेंगे कि हमारे ही सेंटर की कैंडिडेट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। इंस्टीट्यूशन के रेप्यूटेशन का सवाल है ना, तो हम जाएंगे, लेकिन परागी नहीं जाएगी। परागी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैं मां? जल्दी कैसे लौट आई? मतलब ये इंटरव्यू देने के लिए टाइम पर पहुंच ही नहीं पाई होगी और डेफिनेटली इसका टाइम आउट हो गया होगा। कांग्रेचुलेशंस बेबी, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। परागी, तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था ना? जी बुआ जी। तो इतने जल्दी खत्म हो गया? या वहां पहुंचे ही नहीं टाइम से? मैं तो लेट ही हो जाती, पर मेरी हेल्प करने में वो कभी लेट नहीं होता। कोई ऑटो ही नहीं दिख रहे, मैं इंटरव्यू पर टाइम पर कैसे पहुंचूंगी? क्या करूं? कोई ऑटो नहीं है। ऐसे मुझे देखती रहोगी तो इंटरव्यू का टाइम निकल जाएगा। ऑटो वालों की हड़ताल है आज, तुम्हें यहाँ पर कोई ऑटो नहीं मिलेगा। और वैसे भी मुझे मेरी माँ ने दर्द के बदले दर्द देना नहीं सिखाया। बैठ जाओ। संजय ने टाइम से मुझे इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचा दिया था, फिर भी इंटरव्यू नहीं हो पाया क्योंकि पैनल लिस्ट में वहाँ किसी को कोरोना हो गया था, तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया इंटरव्यू। नई डेट आती है अपडेट करेंगे। माँ, मैं UPSC क्लियर कर पाई क्योंकि आपने मुझे और मेरे सपनों को हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। आज मेरे रास्तों में बहुत सी रुकावटें आ रही, पर आज भी आपका आशीर्वाद उन सबसे मेरी हिफाजत कर रहा है। और अब देखिएगा, आपके आशीर्वाद से आपकी परागी इंटरव्यू भी क्लियर करेगी।